हेलो स्टूडेंट सभी का स्वागत है हमारे चैनल ए डी जी के मंत्र पर तो आज हम लोग आने जानने वाले के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन जो प्रीवियस ईयर में आए थे सो so वो आर आर वी एन टी पी सी से सो आर आर वी एन टी पी सी सी वी डी टू एंड ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है तो यहाँ पर फोर्टी प्लस क्वेश्चन लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है रेलवेज़ के लिए ठीक है रेलवेज़ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है किसको पुकारते हम दादा भाई नोर जी को ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वेयर इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है हमारे इंडिया में यह कटक पे है ठीक है कटक कहाँ पर है ये उड़ीसा में है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है क्वेश्चन नंबर थ्री बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है इज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कौन हो गए तो फर्स्ट रिसिपेंट थे कौन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भूषित हुए थे, थे कौन ये कौन है विश्वनाथन आनंद ठीक है तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अभी किस नाम से पुकारा जाता है किस नाम से रिप्लेसमेंट और क्या नाम दिया गया यह ध्यान चांद ठीक है तो ध्यान चांद के नाम से जाना जाता है इस नबी ठीक है ध्यान चांद खेल रत्न अवार्ड ठीक है खेल रत्न अवार्ड ओके चलिए जो ट्वेंटी ट्वेंटी वन में घोषित किया गया है नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हु हुन वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुए थे ये ये 1526 में हुआ है ठीक है किसके अंदर हुआ ये ये बाबर एंड इब्राहिम लोदी बाबर एंड इब्राहिम लोधी के अंदर हुआ है ठीक है बाबर एन इब्राहिम लोधी के अंदर हुआ है ठीक है ये 1526 में हुआ है ठीक है फर्स्ट एंड सेकंड का हुआ ये है ये सेकंड है ये सेकंड हुआ है यहाँ पर एंड ये थर्ड ठीक है यहाँ पर थर्ड हुआ है नेक्स्ट तो तीनों दिया हुआ है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या है इन हैच द मदर टेरेजा ओन द नोबेल प्राइज मदर टेरेजा नोबेल प्राइज कब जीते थे कौन सी हमें 1759 में 17 1979 में ठीक है 1979 में जीते थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हुंगेस्ट पी एम ऑफ इंडिया यंगेस्ट पी एम कौन है हमारे इंडिया के कौन थे राजीव गांधी ठीक है राजीव गांधी हमारे यंगेस्ट पी एम थे ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट वॉज गिवन बाय होम कौन इस स्लोगन को दिए थे कौन बोले थे हैबिट कौन बोले थे ये बाल गंगाधर तिलक ठीक है जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज इन नाइनटीन थर्टीन में किसको नोबेल प्राइज से घोषित किया गया था रविंद्रनाथ टेगर को ठीक है किसके लिए गीतांजलि के लिए ठीक है गीतांजलि के लिए इसको ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नाइट ब्लाइंडनेस ठीक है जो नाइट में हम देख नहीं पाते किसी कौन से विटामिन के से होता है ये ये विटामिन ए के से होता है ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया एरिया के टर्म्स कॉमन कंडीशन से कौन से स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा कौन होगा गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नाना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ये क्वेश्चन लिख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार आता है क्वेश्चन ठीक है हु साइन ओवर द वन रुपी करेंसी नोट हमारे जो रूपी करेंसी नोट थे उससे ऊपर जो साइन थे वो किसने किया था किसका साइन होता है वहां पर ये फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है ठीक है फाइनेंस सेक्रेटरी ठीक है नेक्स्ट तो कौन होगा फाइनेंस सेक्रेटरी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द बैटल ऑफ पलासी वॉज फोर्ट इन विच ईयर कौन से ईयर में बैटल ऑफ पॉलिसी हुआ ठीक है ये ट्वेंटी थर्ड ऑफ जून सेवनटीन फिफ्टी सेवन में हुआ एंड किसके सिराज उद्दौला के साथ किसके हेक्टर मुनरो ठीक है इंग्लिश इंग्लिश बैटल के साथ किसके हुआ था सिराज को हुआ था ठीक है नेक्स्ट जब बंगाल के नवाब थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है द फर्स्ट वट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया नेशनल ऑफ इंडिया का टाइम क्या है 52 है फर्स्ट ओमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फर्स्ट ओमेन जज कौन थे जस्टिस कौन थे ओमेन जज कौन थे ये फतिमा बेबी ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हु इज नोन एज द पंजाब केसरी पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है लाला लाजपत राय को ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन फाउंडर ऑफ ब्राह्मण समाज ब्राह्मण समाज के प्रतिष्ठा कौन है राजा राम मोहन रॉय ठीक है अगर ये बोलेगा तो आदि ब्राह्मण समाज अगर बोलेगा तो कौन होगा ये केशव चंद्र है आदि अगर जोर देंगे तो अगर आदि ब्राह्मण समाज होगा अगर आदि ब्राह्मण समाज होगा तो फिर कौन होगा केशव चंद्र सेन होगा ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रिवर इज नोन एज द हैंडमेड ऑफ नर्मदा नर्मदा रिवर के हैंडमेड किसे बोला जाता है कौन से रिवर को रिवर ताप्ती को बोला जाता है ठीक है नेक्स्ट ये सभी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ठीक है नेक्स्ट क्या है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज वेम स्टडी ऑफ इंसेक्ट क्या क्या बोला जाता है इसको इसको बोला जाता है एंटमोलॉजी ठीक है एंटोमोलॉजी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्या है च इज द लार्जेस्ट वाइट ब्लड कारपोरेट अर्थात डब्ल्यू बी सी लार्जेस्ट कौन है इसमें मोनोसाइट है ठीक है मोनोसाइट लार्जेस्ट है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट ये बॉक्साइट एज एन रॉ मेटीरियल बाई विच इंडस्ट्री कौन से इंडस्ट्री का रॉ मेटेरियल बॉक्साइट है ये एलुमिनियम इंडस्ट्री का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच इज द फॉलोइंग ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रिएशन ऑफ इंसुलिन इंसुलिन की सिक्रिएशन कहाँ से होता है कौन से ग्लैंड से हो? ये पैन क्रिया से होता है ठीक है ये पैन क्रिया से होता है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बालाजी से नेक्स्ट क्या है सरदार सरोवर डैम सरदार सरोवर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर सरदार सरोवर डैम कौन से रिवर पे सिचुएटेड है थी? ये नर्मदा रिवर पे है ठीक है कौन सा रिवर होगा नर्मदा रिवर ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाई होम फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी किसने स्थापित किया ये किसने मतलब वो द फाउंडर कौन होगा ये कुमारा गुप्ता ठीक है कुमारा गुप्ता जो फिफ्थ फिफ्थ सेंचुरी में हुआ है ठीक है ठीक है फिफ्थ सेंचुरी में हुआ ये ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट का रॉक सेल्टर वॉस सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कौन से स्टेट में हमारे इंडिया के ये मध्य प्रदेश के ठीक है ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है ठीक है मध्य प्रदेश में है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वर आवर इंडियन फ्लैग वेन वॉज आवर इंडियन फ्लैग अडाप्टेड यह भी बहुत इंपॉर्टेंट कब हमारे इंडियन फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था यह ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जुलाई नाइनटीन फोर्टी सेवन में होगा ठीक है ट्वेंटी सेकेंड जुलाई नाइनटीन फोर्टी सेवन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वेम्बरनाथ लेक इज सिचुएटेड विद स्टेट ऑफ इंडिया वेम्बरनाथ लेक कौन से स्टेट में है यह केरला में है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन ईयर रावलट एक्ट वॉज पास राट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है इसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है ठीक है ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है इसको ठीक है तो कौन से हमें पास हुआ ये 1919 में ठीक है 1919 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरायो सरायो रिवर के बैंक में कौन से सिटी सिचुएटेड है कौन से सिटी है ये अयोध्या होगा ठीक है जो सिटी या बैंक होते हैं उससे क्वेश्चन जियोग्राफी में ज़रूर आते ये सब क्वेश्चन ठीक है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो रेलवेज में इम्पोर्टेंट है ठीक है चलिए कौन होगा तो सरायो रिवर के बैंक में अयोध्या होगा ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हु आज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन हो गए कौन थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ठीक है ये कब से कब तक थे 1828 से 1835 तक थे ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आफ्टर विच मूवमेंट वल्लभ भाई पटेल गॉट द टाइटल सरदार सरदार का टाइटल मिला था कौन से मूवमेंट के बाद वल्लभ भाई पटेल को बरदौली सत्याग्रह ठीक है बरदौली सत्याग्रह के बाद ही मिला था कब हुआ थे नाइनटीन ट्वेंटी में हुआ था ठीक है 1928 में बरदौली सत्याग्रह ठीक है नेक्स्ट क्या है विच ऑफ़ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन द ह्यूमन स्टोमक हमारे ह्यूमन स्टोमक में कौन सा एसिड पाया जाता है जो हमारे पाचन क्रिया में बहुत हेल्प uh, करता है तो कौन सा एसिड होगा वो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ठीक है तो क्या बोलते हैं इसको एच सी एल भी बोलते हैं ठीक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है ठीक है आयरन मैन ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ओमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ठीक है हमारे स्वाधीन भारत के फर्स्ट ओमेन चीफ मिनिस्टर कौन थे सुचेता कृपालिनी थे ठीक है सुचेता कृपालिनी तो कहाँ से बने थे ये यूपी से बने थे ठीक है ये यूपी से बने थे नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द अशोक चक्र हमारे अशोक चक्र में कितने स्पोक्स है कितना होगा ट्वेंटी फोर स्पोक्स ठीक है ट्वेंटी फोर स्पोक्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट हु बिल्ट द सांची स्तूपा सांची स्तूपा कौन कौन बिल्ड किए थे ये सम्राट अशोक ठीक है सम्राट अशोक ने किए थे सांची स्तूपा कहाँ पर है ये मध्य प्रदेश पे ठीक है ये मध्य प्रदेश में है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स ठीक वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्या है विच प्लानट इज नोन एज द अर्थ ट्विन सिस्टर किसे अर्थ ट्विन सिस्टर के नाम से जाना जाता है कौन है आठ के ट्विन सिस्टर तो एक ही तरह के कौन होगा ये वेनस होगा ठीक है शुक्र जिसको हम शुक्र बोलते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट से डील करता है हमारे ये पार्ट थ्री से डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल कितना आर्टिकल है यहाँ पर फंडामेंटल राइट दिनों ट्वेल्व नंबर आर्टिकल से थर्टी फाइव तक आर्टिकल है ठीक है ठीक है इतने आर्टिकल से आर्टिकल्स कितने हैं ट्वेल्व से थर्टी फाइव तक है ठीक है ये फंडामेंटल राइट्स है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हु वॉज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा लोकसभा के फर्स्ट फीमेल स्पीकर कौन थे कौन होगा ये मीरा कुमार ठीक है मीरा कु... मीरा कुमार थे ठीक है फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन होगा पी सी महला नोविस मॉडल हैज बिन एसोसिएटेड विथ विच फाइव ईयर प्लान कौन से फाइव ईयर प्लान से रिलेटेड है सेकेंड फाइव ईयर प्लान से रिलेटेड है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ठीक है इस सेशन का तो क्या होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कौन से स्टेट में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसको कोलडो नेशनल पार्क से भी जाना जाता है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है ये ये उत्तराखंड में है ठीक है उत्तराखंड नैनीताल अगर दिया गा तो अगर डिटेल से पूछेगा नैनीताल में ठीक है चलिए तो यहाँ पर टोटल फोर्टी जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए थे हम यहाँ पर ख़त्म हुआ ठीक है तो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ठीक है एंड आपके लिए भी एक क्वेश्चन हम दिए हैं यहाँ पर ठीक है तो देखिए क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चंस आपके लिए आप कमेंट में आंसर कीजिए इसको ठीक है विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्लान इज द मोस्ट डेंस प्लानट इन अवर सोलर सिस्टम तो कौन होगा जो होगा वो हम कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप लोग बताए ठीक है ठीक है एंड ये हमारा इंस्टाग्राम है अगर फॉलो करना चाहते हो यहाँ पर फॉलो कर सकते हो ठीक है यहाँ पर हम सब पोस्ट कर देते तो चलिए आज के लिए इतना ही टाटा बाय बाय